सो गाइस, दिस इज आदि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नया दिन है, नए दिन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ। मॉर्निंग के भी बचे हैं 5। आज संडे, तो एक्चुअली क्या है कि संडे के दिन सब लोग सोते हैं बहुत देर तक, लेकिन मैं उठता हूँ बहुत जल्दी 5 बजे, क्योंकि निहारिका और मैंने कल शाम प्लान बनाया कि हम क्यों ना मेरे पास सुबह सुबह लखनऊ में घूम के देखें, ट्रैफिक भी नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। तो आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग में लखनऊ को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा लखनऊ को देखते हैं, कहाँ क्या खाने के लिए मिलेगा, क्या घूमने के लिए मिलेगा, कैसा सुबह का होता है कि शहर में अमूमन लोग सोए रहते हैं, सुबह सुबह लोग बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, देखते हैं आज के ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड, पूरा ब्लॉग देखना, काफ़ी मजा आने वाला है। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? जीन्स जीन्स पहन के कहाँ है? मैं क्यों को पता होगा, लेकर कौन जाएगा? तुम्हें नहीं बोला सुबह घूमने जाना है तो है? तुम्हें नहीं बोला सुबह घूमने जाना है? मैंने नहीं बोला। किसने बोला आपे? आपने। लेकिन तुमने बोला 6 बजे जाएंगे। 1 घंटा लेट हो गया। 7 बज गए पूरे? मोबाइल लाइए अपना। हाँ, पूरा 7 दिखाओ। 7 बजने में 3 मिनट शायद कम है, शायद 7 मिनट है। 7 बजने में 7 मिनट है। जो हमने निकलना था 6 बजे, हम हो गए लेट 1 घंटा 53 मिनट लेट हो गए। लेकिन निहारी का नाश्ता पूरा बना दिया, इडली सांभर। नाश्ता तो हम आके कर लेंगे, मम्मी पापा लोग के लिए बना लेंगे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाइक से घूमने के लिए। ये सुबह सुबह का नज़ारा, उधर से हो रहा है सूर्योदय और मस्त नज़ारा। और जो ठंड है ना, दिन में तो काफ़ी गर्मी होने लगी है क्योंकि मार्च आ गया है और शहरों में ऐसे ही होता है, लेकिन जो सुबह अभी है वो है गुलाबी ठंड जो हल्की हल्की सही में लग रही है। और यही मौसम भी होता है, तबीयत ख़राब होने का, इसलिए हमने जैकेट पहनी हुई है ताकि तबीयत ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा है, हाथों में तो लग रहा है क्योंकि हाथ में ग्लव्स नहीं पहने में। तो सुबह सुबह का सैर पर निकल जाओ ना, पूरा दिन अच्छा होता है। मतलब हम लोग का क्या है कि हम लोग जा रहे हैं अभी, हम लोग फैजाबाद रोड पर अपने घर से निकले हुए हैं। यहाँ से मतलब एक चक्कर मार के आएंगे। बहुत दिन से निहारी का भी बाइक पे बैठी नहीं थी, तो मैंने भी बाइक बहुत दिन से चलाई नहीं थी, तो मैं सोचा था कि तो बहुत दिन से मैंने बाइक चलाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज एक राइड कर लेते हैं और निहारी का और मैं दो बैठ के घूमते हैं थोड़ा ऐसे। तो देखिए, झांसी है 332 किलोमीटर, कानपुर 100 और सीतापुर 95 किलोमीटर। तो ये यहाँ से जो दूरी है, तभी आप लखनऊ आओ तो ये मैंने आपको बता दिया। फिलहाल हम लोग झांसी नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, क्योंकि लखनऊ भी हमारे यहाँ से ना करीब, मतलब लखनऊ क्या 19 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से चारबाग रेलवे स्टेशन। तो घूमने के लिए इधर चारबाग रेलवे स्टेशन इधर है, नैमिषारण्य मंदिर भी आप जा सकते हैं, देवा शरीफ है वो पीछे साइड को है, आप उधर वाली रोड से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी देवा शरीफ वाला रास्ता जाता है। लखनऊ का हाई कोर्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो हमको यहाँ से पोल्टनिक चौराहे जाना पड़ता है, पोल्टनिक चौराहे पे होता है ट्रैफिक। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर गोमती नगर की ओर को और वहाँ से सीधे लोहिया पथ की ओर जाएंगे। ये लोहिया पथ है ना, तो ये ऐसा यहाँ पे लोहिया पथ वाले रास्ते हम निकल जाएंगे। अगर आपको खरीदने हैं कैंपिंग गियर्स, कैंपिंग जैकेट, कैंपिंग टेंट, तो बस ये हाई कोर्ट आपने देखी है, लखनऊ का हाई कोर्ट आप डाल दो, ठीक इसके सामने वाला भी चौराहा है जो आएगा, इसका जो नेक्स्ट वाला चौराहा आएगा तो वहाँ पर है डिकैथलॉन का शोरूम। तो आप डिकैथलॉन के शोरूम से कह सकते हैं अपने लिए सारे कैंपिंग गियर्स। अभी सारी की सारी लाइट ऑन ही है तो आराम से रास्ता निकाल जाए। तो ये वाला चौराहा जैसे ये इधर को चला गया सीधे शहीद पथ की ओर को रास्ता चला गया, ये चला गया लोहिया पथ की ओर को। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लोहिया पथ की ओर और अगला चौराहा आपका जाएगा सीधे किधर, डिकैथलॉन के शोरूम के इससे थोड़ा सा आगे है, करीब 100 मीटर 100 मीटर आगे जाओगे आप तो डिकैथलॉन का शोरूम आपको पड़ जाएगा। तो कैंपिंग गियर आप आराम से कह सकते हो लखनऊ में यहाँ से, और काफ़ी चीप है। मतलब जैसे मार्केट में आप देखोगे ना, उससे बहुत काफ़ी सस्ता है डिकैथलॉन। मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी सही है और अपर क्लास फैमिली के लिए, जिसकी जैसी मतलब खर्चा है वैसा उसके लिए सही है। तो यहाँ पे हम लोग को लगी थी वैक्सीन, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका प्रतिष्ठान है इस पर, और
ये यहाँ का है हॉस्पिटल आरएमएल रामनवल लोहिया, जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ, बाइक वगैरह सब कुछ खड़ी हुए हैं। देखिए इतनी सारी कारें खड़ी हुई हैं, उधर बाइक खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर है राम मनोहर लोहिया पार्क। तो लोग सुबह सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक करने यहाँ पर गोमती नगर के आसपास वालों के लिए, मतलब काफ़ी घूमने का यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। जब गोमती नगर में रहते हैं ना तो उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। सब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं यहाँ पर। ये जा रही है सीधे अंदर की ओर को, मतलब ये गोमती नगर के अंदर की है, पूरा गोमती नगर है साइड। इस साइड है राम मनोहर लोहिया हो गया, इधर CMS स्कूल भी इधर साइड में पड़ेगा आपको ये। लेकिन यहाँ पे ना एक वो भी है बैडमिंटन वाली, वो मतलब कोई बैडमिंटन का प्रशिक्षण केंद्र है, पता नहीं इंडोर खेलते हैं लोग कि न जाने, मतलब कि खाली सिखाया जाता है कि हम जैसे लोग को भी अगर आने देते तो। अब ये इसका फीस जैसे ये लिखा हुआ देखिए, योनेक्स सनराइज बाबू बनारसी दास UP बैडमिंटन एकेडमी है। पता नहीं इसमें सिखाया जाता है या कोई भी खेल सकता है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। मतलब अगर मतलब मेरे आसपास होता तो हम लोग जो मुझे बैडमिंटन खेलने का बड़ा शौक है तो हम जरूर खेलते हैं। आपको जनेश्वर मिश्र पार्क घूमना है, वो सुबह 6 बजे खुल जाता है, सुबह 5 बजे खुल जाता है। तो ये जनेश्वर मिश्र पार्क सामने बिल्कुल ऐसे जाके आप जा सकते हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क और राम मनोहर पार्क आप सुबह सुबह आराम से घूम सकते हैं। तो ये इधर है अम्बेडकर पार्क जो खुलेगा दिन के 11 बजे। मतलब अगर आपको लखनऊ घूमने आना है तो आप शुरुआत कर सकते हैं जनेश्वर मिश्र पार्क से, बाद में लास्ट में आप शाम के टाइम पे इधर ही एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि दिन के 11 बजे खुलेगा, 11 बजे के बाद आप इसके अंदर आ सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत है ये भी, और वो जनेश्वर मिश्र पार्क भी काफ़ी खूबसूरत है, वो तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो मतलब ऐसा कुछ सीन है। तो इससे आगे पड़ेगा आपको 1090 चौराहा है, वो गोमती रिवर फ्रंट है पूरा, तो आप वहाँ भी आराम से घूम सकते हैं 1090 चौराहे पे। तो मैं आपको मतलब साथ साथ में लखनऊ की सुबह की सैर करवा रहा हूँ और सुबह सुबह आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखा रहा हूँ। लखनऊ कितना खूबसूरत है, मतलब सुबह क्या होता है ना ट्रैफिक नहीं होता है, थोड़ा ये होता है। देखिए ये पूरा आप कितना प्यारा लगता है ये वाला पार्क देख रही हो। हाँ ये पार्क इतना खूबसूरत है। तो निहारिका में फ़ोटो खिंचवा लेते हैं एक बार, यहाँ पर से जाएंगे अंदर और यहाँ आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। अरे इसके अंदर तो बाइक जा रही है, देखिए इसके अंदर बाइक जा रही है, कितना प्यारा नज़ारा है सामने ये। अगर हम सुबह 6 बजे आते हैं तो मज़ा आ जाता। निहारिका की बिंदी उड़ गई हवा की वजह से, कि मैं बाइक चला रहा था कि 70 की स्पीड है, इसकी हो गई है फ्रिज की ऐसे हालत खराब। मैंने बोला था हेलमेट पहनो, तो फैशन लगता है ना, इसलिए मैंने कल मेरे पास 2 हेलमेट है। बाल फंसाते तो सर तो ठंडा रहता है। तो आप देखिए ना वो जो हाथी दिखते हैं, वो सामने हाथी वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे है पूरा गोमती रिवर फ्रंट, आप देख रहे हो ना ये पूरा गोमती रिवर फ्रंट है। ये है काफ़ी खूबसूरत, हम लोग मे बी सोच रहे हैं कि इसके अंदर जाएँ। उस साइड से जाते हैं, उस साइड जहाँ पर कहीं पर देखते हैं पार्किंग कहाँ पर, क्योंकि पीछे साइड में पार्किंग तो लिखा था लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी थी किसी की और कोई गेट वेट था नहीं। तो इस साइड से जाके देखते हैं घूमते हुए फ्रंट में, थोड़ा मज़ा आएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, हाँ ये आई लव लखनऊ यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आई लव लखनऊ। ये देखिए सामने हो रहा है अभी, जय अभी यहाँ पे बोला जा रहा था कि तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना जहाँ पे लता मंगेशकर जी के बीच में डेथ हो गई थी, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए कोई फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सिखाने से पहले तो यहाँ पे NCC के कैडेट आए हुए हैं बहुत सारे, आप सभी लोग जो रेडियो सिटी 91.1 FM द्वारा ये किया गया है और दिव्य चीज देखने वाले हैं। और तो ये है पूरा गोमती रिवर फ्रंट, आप देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे सब लोग अपने कुत्ते लेके आए, लेकिन लोगों ने यहाँ तो फिर भी काफ़ी
गंदगी भी करके रखी है। लोगों से गुजारिश है कि ऐसे जो पार्क होते हैं इनको साफ रखें, तो देश क्या होता है, देश में भी स्वच्छता रहती है और आपका जो शहर है वो भी काफ़ी स्वच्छ रहता है। क्योंकि मैं सीढ़ी से उतर रहा था ना, तो वहाँ पे लोगों ने मतलब पी की हुई है और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो यहाँ पर उड़ता हुआ प्रोग्राम देखिए आप मस्त करके, ये है 10 डब्बे, तो 10 डब्बे के इस चौराहे पे यहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट भी है, तो वहाँ पे चौराहे पे उड़ता वो प्रोग्राम काफ़ी मज़ा आ गया है। 10 डब्बे है देखिए, जहाँ झूले वूले लगे हुए हैं, तो आप यहाँ झूले वूले में मेले वेले में आ सकते हो आराम से। सुबह सुबह होगी एक्सरसाइज, सांस फूल गई है, मैं तो डांस किया था निहारिका ने, थोड़ा बहुत निहारिका ने किया, थोड़ा थोड़ा सुबह का मतलब योगा हो गया, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, हमको नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन हम लोग तो ऐसे निकले थे लखनऊ के शहर पे, तो लखनऊ के साथ साथ हम भी नाच लिए भैया। हाँ कितना खूबसूरत है, ये पीछे मुख्यमंत्री आवास है, उधर राज्यपाल का आवास है, तो ये चौराहा होगा ही काफ़ी खूबसूरत, तो देखिए ना कितना मस्त लग रहा है। ये लखनऊ की खूबसूरती है, लखनऊ में ना जो मतलब हेरिटेज है यहाँ की, एक जैसे इमामबाड़ा है और जो यहाँ का जू है और यहाँ की लखनऊ रेसिडेंसी है और ये यहाँ के जो पार्क हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है लखनऊ, मतलब इतना खूबसूरत है घूमने के लिए। और ये मौसम मार्च का मौसम और अक्टूबर का मौसम, मार्च का मौसम इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दिन में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, सुबह हल्के की ठंडी होती है, सुबह सुबह आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से अभी हम आगे ब्लॉग देखना, तो मैं बताऊँगा कहाँ से स्टार्ट करना अपना। तो यहाँ पर रहते हैं राज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, तो यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई है उनके यहाँ, राज्यपाल जी के यहाँ से तो लगती है, आते बसंत महोत्सव मनाया जाता ना। तो मैं आपको बता रहा था कि ये पता था खूबसूरत है लखनऊ, तो यहाँ के पार्क आकर, तो मार्च इसलिए है क्योंकि मार्च में क्या था, दिन भी लंबा रहता है, अक्टूबर में दिन छोटा हो जाता है, अक्टूबर में थोड़ा अंधेरा जल्दी होने लगता है, लेकिन मार्च के टाइम में क्या है कि दिन शाम को सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उजाला हो रहा, शाम को 6:30 बजे अंधेरा हो रहा है, तो आपको पूरे 12-12.5 घंटे मिलते हैं लखनऊ को एक्सप्लोर करने में। और ये तो खाने के लिए तो लखनऊ बहुत बेस्ट है, साथ साथ में घूमने के लिए भी लखनऊ काफ़ी अच्छा है, और आराम से आप 2 दिन का प्लान करके पूरा लखनऊ घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रतगंज घूमते, हज़रतगंज में घूमने को बोलते हैं गैंगिंग बोलते हैं हज़रतगंज तो घूमने में, लेकिन संडे के दिन हज़रतगंज बंद रहता है, आज है संडे, तो यहाँ पर है बेगम हज़रत महल का पार्क, सामने उधर बुद्धा पार्क है, तो पार्क ही पार्क है लखनऊ में, बहुत सारे पार्क है, शहर बड़ा है तो पार्क तो होने ओबियस सी बात है। यहाँ पर भी देखिए लोग कर रहे हैं योगा सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे लोग, और ये देखिए यहाँ पे है लखनऊ की विधानसभा भी, आप देख रहे हैं ना सामने है लखनऊ की ये पूरी विधानसभा है। निहारिका को वैक्सीन न्यायालय में लगी हुई थी, पता है तुम्हें, यहाँ पे के जो हॉस्पिटल है तो वहाँ पर निहारिका को लगी थी, मैं इस पार्क में बैठा था, मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो है ऑफिस है, और ये है पूरा विधान भवन इस साइड में, तो ये है पूरा हज़रतगंज, तो हज़रतगंज है काफ़ी खूबसूरत, आप देख ही रहे होंगे। तो जैसे ये यहाँ पर ये पार्किंग है ना, ये यहाँ पर भूमिगत पार्किंग भी है, तो आप यहाँ आके अपनी पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, साथ साथ में ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का आपने ऑफिस देख लिया। तो हम लोग पहुँच गए देखिए सीधे लालबाग, यहाँ से हज़रतगंज होते हुए हम लोग निकल चुके हैं लालबाग, अभी अगर दोबारा भी आएंगे हम लोग, तो मैं आपको दिखा रहा था कि हमने क्या कहा। तो सुबह सुबह जो स्टार्ट करना है ना, वो करना है शर्मा जी की चाय, तो हम लोग शर्मा जी की चाय काफ़ी फेमस है, पिछले वाले एक ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हम लोग 19 किलोमीटर चाय पीने आए थे, लेकिन आज उस दिन मेरा फ्रेंड था, तो आज निहारी का साथ में, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं शर्मा जी की चाय पीने के लिए। थोड़ा आज मैं बकवास ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे रहा हूँ, तो इसलिए नाराज़ मत होइए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग अभी तक, और भी कोई इन्फॉर्मेशन दे तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ चौराहे के यहाँ पे शर्मा जी की चाय है, यहाँ सुबह सुबह भीड़ लगाती है, मॉर्निंग में 7 बजे ओपन होती है, 7 बजे के 6 बजे ओपन होती है, तो यहाँ पर आइए सुबह यहाँ की चाय पीजिए और वहाँ से लखनऊ की शुरुआत कीजिए घूमने में। तो यहाँ पर गाड़ी का था पार्किंग का लोचा, तो आ गया है देखिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, तुमने घर जाके करना ही करना है, क्या क्या है,
वन मक्खन है, दो चाय है कुल्हड़ वाली, इस बार हमने पेपर की जगह कुल्हड़ चाय लिया, एक समोसा लिया हुआ है, तो खाते हैं एंजॉय करते हैं। आप देखना कितनी भीड़ लगी हुई है उस साइड भी, लोग उस साइड खेलते हैं और इस पूरे पार्क में बैठ के आराम से खाते हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं लखनऊ की शर्मा जी की चाय से। टोटल मतलब इसका बिल करिए 120 रुपये आया हुआ है, दो वन मक्खन, एक समोसा और दो चाय। कैसा लगा चाय? बहुत ज़बरदस्त है। वन मक्खन समोसा गोल वाला, थोड़ा यहाँ का ना समोसा बहुत तिखा होता है, यहाँ समोसा गोल बनाते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा तो यार बाकी लोग तो तिकोने बना रहे हैं, ये गोली बना रहे हैं ना, ये लोग नहीं बना पाते यानी उनका स्पेशल बना दिया होगा ना कि गोली बनाना है। अभी तक खरीद हम पिछड़ी नर्सरी में, वहाँ से लेमन घास खरीदी, यहाँ आके दूसरी नर्सरी देख ली, तो यहाँ इसको फूल अच्छा लगे तो अब ये यहाँ आके छाटने लग गई है। ये तो मेरे को तो सबसे अच्छा जो फूल लगा कांटों के साथ साथ, मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो कलर किया हुआ है, लेकिन कलर नहीं किया हुआ है इसका, बाकी ऐसा ही कलर है, मस्त लग रहा है, छोटे छोटे उस पर लगाया हुआ है। क्या कि देखो सुबह सुबह की शॉपिंग हो गई है, लाल पीले कलर के पत्थर गिर रखे हैं, एक लेमन घास, एक एक गमला, सुबह सुबह इतने पैसे खर्च कराए, कितने 120 रुपये के लेमन घास होगी, 170 रुपये का ही होगा, 100 रुपये 200 रुपये। हाँ तो इतना सारा पैसा खर्च गया, 300 रुपये चाय हो के, 120 रुपये चाय के हो गए, 320 रुपये खर्च कर दिए पूरे सिर्फ 2 घंटे में। हमने थोड़ी फूल में किया, चाय में नहीं किया, चाय आपको पीना। अच्छा तो निहारिका को ये सुबह बहुत अच्छी लगी, कहते कि रोज सुबह जाएंगे ऐसे डांस धान करेंगे, मतलब आपने किया था हमने। तुमने भी थोड़ा हाथ गाने तो सुने ना, गाने सुने थे, गाने खूब सारे सुने, योगा भी देख रही थी। हाँ तो ये मतलब मस्त बड़ा थोड़ा एनर्जी टाइप के लगा, और हम लोग क्या गाना भी बड़े अच्छे अच्छे टाइप के चला रहे थे, मतलब सुबह ना सैड सॉन्ग में भी डांस कर लेते थे, सैड सॉन्ग में लग रहा था कि, और बहुत सारे लोग थे तो मजा भी आया। और चाय कैसे की? बहुत चाय तो कहते कि चाय भी वहीं पिलाने जाना, तो हमने फूल भी खेत के लिए आई। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नए ब्लॉग में, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक जय देवभूमि, जय जगन्नाथ।